हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लिखा है ए से बी तक की दूरी को यदि कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 9 घंटे में तय करती है, तो उतनी ही दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल कर कितने समय में तय करेगी। तो आपको समय T2 ज्ञात करना है। आपको S1 दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, T1 आपको दिया है 9 घंटा और T2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, फार्मूला होता है आपका S1 × T1 S2 × T2। ठीक है, और आपको दिया 45 × 9 36 × T2। ठीक है, अब T2 इधर ही रहेगा, 45 × 9 / 36, ये आपका T2, ये नीचे आ गया, 9 × 9 9 × 36। अब आपका T2 बराबर हो जाएगा, T2 बराबर 45/4। अब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 4 से देंगे भाग 45 के लिए, 4 × 4 कैंसिल हो गया, फिर 4 × 4 5 × 4 फिर 4 × 4 एक आ गया। तो आप लिखेंगे 11 सही 1/4 घंटा। ठीक है, तो ये आपका समय आ गया। तो ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है ए से बी तक की दूरी को यदि कोई कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय चलती हुई 18 घंटे में तय करती है, तो उतनी ही दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलकर कितने समय में पूरी करेगी। ठीक है, तो आपको फिर निकालना है, वैसा ही क्वेश्चन है, T2 निकालना है। ठीक, आपको S1 दे रखा है, S1 90 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 बराबर दे रखा है आपको 18 किलोमीटर S2 दे रखा है आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा। T1 आपको दिया है 18 घंटे। ठीक है, और T2 आपको ज्ञात करना है। ठीक, फार्मूला आपको क्या है, S1 × T1 S2 × T2। ठीक है, अब मान पुट करेंगे, यहां पर 90 आ जाएगा गुणा T1 है आपका 18, आपके 36 × T2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 90 ऐसी रहेंगे, 18 36 नीचे आ जाएंगे और ये T2। ठीक है, अब देखिए 18 × 18 18 × 36। ठीक, 18 × 36, अब हम काटेंगे 2 × 2 और 2 × 4 8, यहां 1 बचेगा, 2 × 5 = 10, यानी T2 बराबर आपका आ गया है T2 45 घंटे। तो ये आपका समय आएगा 36 किलोमीटर दूरी चलकर भाई कितने समय में, तो ये 45 घंटे में पहुंचते करेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है एक आदमी कार से निश्चित दूरी 6 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यदि वह उस दूरी को 4 घंटे में तय करना चाहता है तो उसे कार की स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा। अब कार की स्पीड, आपको जो स्पीड निकलेगी उस स्पीड में से ये स्पीड घटा देंगे तो आपकी कार की स्पीड जो बढ़ेगी वो आ जाएगी। ठीक है, आपको दे रखा है T1 दे रखा है 6 घंटे और S1 दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, T2 दे रखा है आपको 4 घंटा और S2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अपनी ट्रिक क्या होती है, S1 × T1 S2 × T2। S1 आपका 60 और 6 गुणा, ये आपका क्या रखा है, S2 आपको ज्ञात करना है और ये 4 दे रखा है। ठीक है, 60 × 6 / 4 S2। ठीक है, 4 × 4 4 × 4 यहाँ बचे 2 4 × 20
ठीक है, एस टू बराबर कितना आ गया, 15 × 4, ये 15 × 6 यानी कितना आ गया 90। अब आपको कितनी स्पीड, ये स्पीड एस टू आ गई, अब वो कह रहा कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो 90 में से यह स्पीड घटा दे, 90 में से ये स्पीड घटा देंगे तो कितनी स्पीड, तो आपको एक्यूरेट स्पीड 90 माइनस 60 अगर कर देंगे तो 20 आ जाएगी, तो लिखना पड़ेगा, तो उसे कार की स्पीड, तो उसे कार की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आज का चौथा दिया है, लिखा है एक आदमी एक कार से निश्चित दूरी 4 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो यदि वह उस दूरी को 3 घंटे में तय करना चाहता है तो उसे कार की चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा, कार की चाल को कितना बढ़ाना है? वो आप निकालेंगे। देखिए जो चीज दी है आपको, दिया है T1 4 घंटा, ठीक, और S1 आपको दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, और T2 आपको दे रखा है 3 घंटे, और S2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, आपका फार्मूला था S1 × T1 × S2 × T2, अब आपको S1 क्या दे, S1 दे रखा है 54 × 4 S2 × 3, 54/3 और S2, अब देखिए 3 × 3 कितने वजन, 2 वजन में 3 × 24 यानी कितने वजन, 18, तो S2 बराबर कितना, S2 बराबर आपका हो जाएगा 18 × 4 यानी 72। ठीक है, अब हमें निकालनी है, देखिए ये स्पीड आ गई है, वो कह रहा है कार की चाल कितना किलोमीटर बढ़ानी पड़ेगी, तो इस स्पीड में से ये घटा दे 54, ठीक है, तो 72 में से 54 घटा दें कितना आ जाएगा, 12 में से 4 जाएंगे तो आ जाएंगे 8, और यहाँ 6 में से 5 जाएंगे तो आपके आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा है उसे कार की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी, ये क्वेश्चन हो गया। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लिखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है, उसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, आपको टाइम निकालना। दिया क्या है आपको, दिया है दूरी, यानी D1 दिया है 1440 किलोमीटर, ठीक है, D2 दे रखा है आपको 480, टाइम दिया है T1 बराबर 16 घंटे, ठीक, किलोमीटर, और T2 आपको ज्ञात करना, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या है, आपका फार्मूला आता है D1/T1 और D2/T2, ठीक है, अब हम मान पुट करेंगे D1 कितना है, D1 आपका है 1440/16 और 480/T2, आपको T2 निकालना है, देखिए क्या हो जाएगा, अब T2 निकालना है तो इस त्रिकोणा करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, T2 480 × ये 16 आ जाएंगे, 1440 आ जाएंगे नीचे, ठीक है, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाए, ठीक, 1 0 से 0 कैंसिल, अब 16 × 144, ठीक है, 16 × 144, अब ये क्या हो जाएगा 48/9, ठीक है, 48/9, अब काटेंगे 3 × 3 = 9, 3 × 3 3 × 3 = 18, कितना आ गया 16/3, 16/3 को लिखेंगे 3 × 5 = 15, ठीक है, 3 × 5 = 16, 16/3 ये आ जाए घंटे, 5 सही 1/3 घंटे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए भाग अगर समझ में आ रही है तो 3 × 5 = 15, एक आ गया, तो
एक आ जाएगा 5 सही 1/3, तो ये आपका आंसर आ गया। तो उससे कितना समय लगेगा, 5 सही 1/3 घंटा लगेगा। तो ये आज का छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है 50 किलोमीटर की, तो ये आज का छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 128 किलोमीटर की दूरी को 16 घंटे में तय करती है, उसी चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, वो आपको निकालना है। देखिए आपको दिया है D1 आपको दिया है 128 और D2 आपको दिया है 56 किलोमीटर, ठीक है, जे भी आएगा किलोमीटर, और T1 आपको दिया है 16 घंटे, ठीक है, और आपको T2 निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है D1, T1, D2 और T2, ठीक है। D1 आपको दे रखा है 128, T1 आपको दिखा 16, D2 आपको दे रखा है 56 और T2 आपको 11, ठीक है। अब क्या करते हैं, तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस इसकी इससे करते, देखा क्या हो जाएगा, T2 बराबर 56 गुणा ये 16 पहुंच जाएंगे, 56 के बराबर में 128 नीचे आ जाएंगे, ठीक। अब क्या होगा, 16 और 16 और 16 128, ठीक है, 8 आ गए। अब 8 से काटेंगे, 8 × 8 = 56, यानी T2 बराबर आपका आ गया 7 घंटा, ये आपका आंसर आ गया 7 घंटे। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।